ओके नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अगेन। काल के बाद हम चलते हैं विलोम शब्द की ओर, और विलोम शब्द की भी जो क्लास है वो अच्छी क्लास है। आप जहाँ तक मैं समझता हूँ आप तो ये विलोम शब्द जो हैं वो देख लेना एक बार ढंग से, और लगभग पेपर में इनमें से ही हमें दिखाई देता है। आप अभी संस्कृत विभाग का पेपर हुआ, हिंदी का, और अपने आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उनमें भी आप देखेंगे इस प्रकार के पूछे थे। हालांकि कई प्रश्न तो बहुत सरल भी पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे, 50 क्वेश्चन बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? अब हमें यहीं पर ध्यान रखना है कि गलत कौन सा है, ठीक है। तो बाकी एक तीन सही है एक गलत है, वो कौन सा होगा? अंगीकरण, अनंगीकरण, अंतरंग, बहिरंग, अंदर, बाहर, अनाहूत, भूत, अनाहूत, बताइए। तो आपको पता लग गया होगा अब तक तो इतना देखते ही कि इसका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि क्या होता है, आहूत का अनाहूत होता है, ना कि हूत का अनाहूत होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। बात करते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? क्या फिर पूछ रहा है? गलत। अनुभूत, अन अनुभूत, तो ये तो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? चलो मैं जल्दी बता दूंगा फिर से, आप बताएं। अनुयायी, आदताई, अनुरक्त, विरक्त, अनुलोम, प्रतिलोम, इसमें क्या होगा? आप गलत आंसर तो ढूंढोगे ढूंढोगे, साथ में आपको चार विलोम शब्द याद होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50, और चार, आप लगभग 200 विलोम शब्द अभी याद करके जाओगे यहां से, तो इसलिए ध्यान से समझे। अनुभूत का अननुभूत होता है क्या? अनुयायी का आतताई होता है क्या, है ना? अनुरक्त विरक्त होता है क्या? अनुलोम प्रतिलोम होता है क्या? देखिए गलत पूछ रहा है, तो गलत आप जानते हैं। अनुभूत, अन अनुभूत, अन उपसर्ग लगता है तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। अनुरक्त का विरक्त होता है, अनुलोम का प्रतिलोम होता है, ये पेपर में बहुत बार मैंने देखा है कि आ जाता है, अनुलोम प्रतिलोम होता है, ठीक है। अनुयायी का आतताई ये नहीं होता, अनुयायी किसी चीज की मतलब अनुसरण करने वाला अनुयायी होता है, लेकिन आतताई नहीं होता, आतताई तो आतंक मचाने वाला होता है। तो इसका राइट आंसर जो गलत होगा वो बी ऑप्शन होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? यानी फिर से तीन आपको नहीं मिलेंगे, कौन सा गलत है? तो देखिए आप, अपकर्ष उत्कर्ष, अपेक्षा उपेक्षा, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिसरण आसरण। जहां तक ये होता है कि इन विलोम शब्दों में अगर हमारे एक बार पढ़े हुए हो ना बढ़िया तरीके से, तो पेपर में देखते ही अंदाजा मिल जाता है। कई बार हम डबल में काउंट होते हैं, तो जैसे कई बार आरपीएससी गलत भी हो जाते हैं। तो अपकर्ष उत्कर्ष, अपेक्षा उपेक्षा, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिसरण आसरण, तो आपने काफी देख लिया होगा। अब देखो, अपकर्ष और उत्कर्ष, ये डाउन है और ये अप है, तो ये तो एकदम सही बैठ रहा है। अपेक्षा, ठीक है, आप एक तरह से अपेक्षा, आप किसी से कुछ अपेक्षा रखते हो, एक उपेक्षा आप किसी को दूर भेजते हो, तो ये भी सही बैठ रहा है। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अभिज्ञ का ही, अब यहां पर सी राइट होगा या डी राइट होगा, आप देखें। अभिज्ञ अनभिज्ञ, या किसी के दिमाग में आ रहा है भिज्ञ अनभिज्ञ होगा, कभी नहीं होगा, याद रखें ये सही है। अभिसरण और आसरण, ये एकदम ही अनुचित है, इसका राइट आंसर होगा डी, एकदम ही अनुचित होगा। अभिज्ञ वाला याद रखना, पेपर में आने वाला है अभिज्ञ और अनभिज्ञ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो अर्जन वर्जन, अर्जित अनर्जित, अर्पण समर्पण, अहर्ता अनर्ता, तो ये भी बहुत बढ़िया है, देखने में एक जैसा लग रहा है, देखने में एक जैसा लग रहा है, बताओ देखें, बताओ देखें। अर्जन वर्जन, अर्जन वर्जन, ये थोड़ा सा अब ये भी अलग लग रहा है कि अर्जन का वर्जन कैसे हो सकता है ना, लेकिन गलत कौन सा है? अर्जित अनर्जित, अर्जन सर्जन वर्जन, अब दिमाग में सर्जन आ रहा है, आ जाता है कई बार गड़बड़, लेकिन इसमें एक ऐसा है जो पूरा ही गलत है, और वो है ये अर्पण और समर्पण। भाई किसी को अर्पण कर देना किसी के प्रति, ये तो लगभग एक सा ही भाव हो गया, तो ये विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? कौन सा है गलत भाई? तो देखिए, कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत पूछ रहा है? अल्पायु, दीर्घायु, अवशेष, विशेष, अवनि, अंबर, अवर, प्रवर, बहुत बढ़िया। अब हमें ये जैसे अवर प्रवर है, ये ऐसा लगता है गलत होंगे, लेकिन हमें याद नहीं होते ना, हमारे कभी पढ़े हुए नहीं होते, तो हमें लगता है गलत। होना और लगने में रात दिन का अंतर है, आप बताएं। देखिए, अवनि और अंबर, अवशेष विशेष, अल्पायु दीर्घायु, भाई ये तो कम आयु वाला, तो ये ज्यादा आयु वाला, ये अगर अवनि धरती है तो ये आकाश है, अवर, तो आप बताएं इसमें अवशेष और विशेष में कैसा अंतर होगा? अवशेष और
विशेष में, समझ गए बात को, अवशेष और विशेष में। और मैं तो कहता हूं ये जो कुछ क्लिष्ट आ रहे हैं ना, वो नोटबुक लेके बैठ जाओ और उनको एक बार लिख लो, ताकि किताब में उनको देख लेना एक बार कि ये क्या क्या चीज मतलब देखो, मैंने जैसे काल में बताया कि 10 मिनट का टॉपिक है नवीन हिंदी व्याकरण से देख लो, वैसे ही यहां पढ़ने के बाद 10 मिनट लगेंगे एक बार विलोम शब्द आंखों से और निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-10 मिनट में अगर आपके टॉपिक क्लियर होते हैं तो आप 5-6 घंटे में सारी व्याकरण एक बार पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संघ गलत है? अवशेष, निशेष, असीम, वसीम। क्या हुआ, फोन आ, ठीक है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कौन सा गलत है। तो आप देखिए, अवशेष निशेष, अब गलत अभी थोड़ी देर पहले जैसे अवशेष की जगह कई बार वो विशेष लिख देते हैं जो कि गलत होगा। असीम वसीम, अविच्छिन्न विच्छिन्न, अश्लील श्लील, तो ये बहुत बढ़िया है ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे गलत होगा बी ऑप्शन, असीम वसीम। अब वसीम, असीम मतलब सीमा, सीमांत मतलब जैसे जिसकी कोई सीमा ना हो, तो जो सीमा वाला है उसका नाम वसीम थोड़ी होगा एकदम, मतलब इसको यूं समझिए कि देखो सीमा किसी चीज की सीमा होती है, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं हो, यानी सीमा सहित और सीमा रहित। तो यहां पे होना क्या चाहिए, ससीम हो सकता था ना, सीमा सहित असीम सीमा रहित, लेकिन वसीम जी कैसे आ गए यहां पर, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहां पर क्या होगा, अब हमें उस वक्त ससीम याद नहीं आता है पेपर में कि भाई इसका ससीम होगा, है ना, वो चीज है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द चुनिए। 7 नंबर क्वेश्चन, सही विलोम शब्द कौन सा होगा? तो बताओ, देखें आग्रह, विग्रह, आगत। अब की बार क्या पूछ रहा है भाई, ध्यान रख लेना, अब की बार सही पूछ रहा है, 3 गलत है इसमें से। आग्रह, विग्रह, आगत, विगत, आक्रांत, विक्रांत, आंतर, आंतर नहीं है, अंतर होगा, अंतर और बाह्य। तो देखो आक्रांत, विक्रांत, आगत, विगत, आग्रह, विग्रह। अब अगर मान लो इस टॉपिक को मैं पूरा विस्तृत लूं तो अब तो क्लास लंबी चली जाएगी। आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि फिर आपको कोई पीडीएफ डालो, पीडीएफ की बजाय आप नोटबुक लेके बैठे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, एक बार देखें कि हाँ इनका मुझे देखना है। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ इनमें से पेपर में आ जाएगा, आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें। सही विलोम, सही कौन सा है, अंतर बाह्य, कौन सा है, अंतर बाह्य। अब ये क्लियर है कि आगत का विगत नहीं होगा, क्यों होगा, अनागत होगा, ठीक है। आग्रह का विग्रह थोड़ी होगा, आग्रह का विग्रह थोड़ी होगा, बताओ क्या होगा, मतलब कमेंट बॉक्स में, वरना आप कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आग्रह का क्या होगा, आगत का अनागत बता दिया, आक्रांत का क्या, विक्रांत होगा क्या, ये तो सेम वही बात हो गई असीम और वसीम वाली। तो इस प्रकार से अगर आप कमेंट बॉक्स में भी बताते चलेंगे, जैसे ये क्लास कंटिन्यू चल रही है तो भी बहुत से स्टूडेंट्स देखते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनर्गल मतलब तुक्के मारे, समझ रहे हो बात। आप आगे देखिए, सही विलोम शब्द आर्स अनार्स, आलोक अंधकार, आलोक का अंधकार होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसमें पूछा है सही। आवर्षण अनावर्षण, उपयुक्त सभी। आलोक का अंधकार है क्या भाई, आर्स का अनार्स है क्या, आवर्षण का अनावर्षण है क्या? तो आप देखो चौथा ऑप्शन क्या आ गया, ये देखते ही लगा कि यार भाई आलोक का अंधकार तो होगा ही होगा, और आवर्षण अनावर्षण अक्सर मतलब जो आवरण अनावरण इस प्रकार से आ उपसर्ग लगे हुए होते हैं उनमें अन लग के वो नेगेटिव, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, यानी इस पर सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। निम्नलिखित में से सही विलोम युक्त कौन सा है? तो आप देखिए उद्धत अनुद्धत, मैंने अभी बताया ना अन उपसर्ग बहुत काम आता है, उत्कर्ष अपकर्ष, ये आप पढ़ के आए हैं तो आपको याद आ गया कि हाँ ये तो हम पढ़ के आए थे, सही थे। क्रय, बेचना और खरीदना, दोनों चीजें होती हैं, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युक्त कौन सा है? गौरव, लाघव, जय, विजय, जाति, सजाति। क्या पूछ रहा है, सही कौन सा है, सही बताओ, देखें जय का विजय होता है क्या भाई, जाति का सजाति होता है क्या भाई, गौरव का लाघव होता है क्या? देखो गौरव शब्द किससे बना है, गुरु से, और यहां क्या हो जाएगा, लघु, तो गुरु लघु से लाघव और गौरव, लेकिन जय और विजय तो एक ही चीज है, यहां तो पराजय होना चाहिए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे ताकि एक दूसरे को हेल्प मिलती रहे। और जाति सजाति भाई, ये तो वही बात हो गई कि घोष और सघोष,
घोष और सघोष, तो घोष सघोष तो एक ही चीज हो गई, क्या होना चाहिए? अघोष होगा ना, अघोष होगा, घोष का अघोष। तो वही बात है, जाति सजाति थोड़ी होगी। स मतलब स तो एक तरह से वही काम करता है जो बिना उपसर्ग के, जैसे जाति का और सजाति का मतलब एक जैसा ही है। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं होगा इसमें। राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा, गौरव लाघव। सही कौन सा है? 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? नियामक, अनियामक, ज्वार भाटा, थोक, फुटकर। ये पा तो एक्स्ट्रा लग गया, थोक, फुटकर, उपयुक्त सभी। बताओ देखो कौन सा है? सही विलोम शब्द पूछा है, नियामक, अनियामक, ज्वार भाटा, थोक, फुटकर, उपयुक्त सभी। बताओ देखे, तो इसका राइट आंसर होगा ये, देखिए कौन सा है? उपयुक्त सभी। तीनों के तीनों सही है, तीनों के तीनों सही है। निरुद्ध शब्द का क्या होगा? निरुद्ध, क्या निरुद्ध का विरुद्ध होगा? ऐसे तो कभी होता ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसे तो कभी होता ही नहीं है। दृढ़, दृढ़ का होगा क्या होगा? पूछ रहा है क्या? निरुद्ध का विलोम पूछ रहा है आपके, और सही गलत नहीं पूछ रहा है, इन तीन में से एक होगा। और निरुद्ध का क्या हो जाता है? अनिरुद्ध, है ना, निरुद्ध अनिरुद्ध। आगे चलते हैं, प्रवर अभी थोड़ी देर पहले आया था, कौन सा आया था? आपने देखा होगा, प्रवर जो शब्द है अभी थोड़ी देर पहले आया था। प्रवर का अर्थ क्या हो जाएगा? सबने बता दिया मुझे, पक्का बताया, अवर, अवर प्रवर। पद्य का क्या होगा? पद्य का हो जाएगा भाई पद्य कविता, तो ये तो ऐसा तो कोई पूछेगा ही नहीं, इतना सरल तो आपको आ जाएगा। मुख का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत, अब हम क्या कर देंगे? दुर्मुख, है ना, या सम्मुख कर दो, कुछ भी कर दो। देखो मुख, मुख का मतलब विलोम होता है भाई, मुख यानी एकदम फ्रंट, है ना, पृष्ठ यानी पीछे वाला। तो ये राइट आंसर होगा डी। वैधानिक का विलोम क्या होगा? भाई ये वैधानिक नहीं है, वैधानिक है, ठीक है, वैधानिक, ये वैधानिक है। वैधानिक यानी वैध से वैधानिक बना है, तो वैधानिक का मतलब सीधा हो जाएगा, विलोम पूछा है तो नियम कानून आप नहीं करोगे बल्कि अवैधानिक करोगे। आगे आप देखिए, सहिष्णु का विलोम क्या होगा? सहिष्णु है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? क्या विरुद्ध होगा, क्या विषय? तो ये तो आपने याद भी कर रखे हैं कुछ, तो असहिष्णु। मैं ये क्लासेस उनके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इन विलोम शब्द पर्यायवाची सोचते हैं कि लास्ट में एक दिन में देख लेंगे, और एक दिन में देखे नहीं जाते, प्रश्न इनमें से गलत हो जाते हैं, और फिर हम हर बार वही कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम जो है क्या नाम है, एक दो ही गलत हो गया, लेकिन इनमें से गलत नहीं होना चाहिए ना, प्रैक्टिस वही होती है। आगे चलिए, स्तुत्य मतलब जिसकी स्तुति की जाए वो स्तुत्य होता है, उसका विलोम क्या होगा? तो बहुत बड़ा, जिसकी स्तुति की जा रही है वो स्तुत्य है, तो जिसकी निंदा की जा रही है वो क्या होगा? निंद्य, क्या होगा? निंद्य। राइट आंसर मिल गया। रास, रास का मतलब एकदम पतन होता है, ठीक है, रास का विलोम क्या होगा? रास, किसी चीज में कमी आना होता है, रास, तो ये तो सेम हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि, कोई चीज का बढ़ना। हास का विलोम शब्द क्या होगा? ये तो वही बात हो गई। अच्छा, हास आ गया, हास, देखो बहुत है, रास और हास दोनों में अंतर है। वो क्या था? रास, इसका मतलब क्या था? कमी। और ये क्या है? हास, इसका मतलब क्या है? हास्य। तो जब हास्य है तो इसका विलोम क्या होगा? रुदन, ये कमी थी तो उसका विलोम क्या था? वृद्धि। और हमारे पढ़ने में चूक हुई और 2.66 का फटका लगा। शाह का विलोम क्या होगा? बताओ देखें, शाह मतलब शाह और ये दोनों एक ही चीज है। आपने समास पढ़ा हो तो हम पढ़ते हैं गोरागट, सफेद झक और काला शाह, है ना, पीला जर्द, लाल सुर्ख, ये जो पढ़ते हैं, तो शाह मतलब काला ही है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। विलोम क्या हो जाएगा? सफेद। सशंक मतलब शंका सहित, तो आप बताइए, सशंक, स का तो बहुत बढ़िया, स शंक, तो सेम वही, शंका है किसी के मन में, और यह सशंका तो बात एक ही है, इसका क्या हो जाएगा? विशंक नहीं होगा, शंका नहीं होगा, लज्जा नहीं होगा। राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा, राइट आंसर होगा डी। शूर का विलोम क्या होगा? भीरू, वीर, योद्धा, शूर, तो उस वक्त हमें जब नहीं पढ़ के जाते ना वही गलतियां करते हैं ऐसी, शूर को वो वीर कर देंगे। भीरू यानी भीरू का मतलब होता है कायर,
योद्धा तो योद्धा ही होता है, तो योद्धा वीर शूर तो एक ही चीज हो गई, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, भीरू, क्या हो जाएगा, भीरू हो जाएगा। श्रव्य का विलोम शब्द क्या है, श्रव्य यानी सुनना, तो अश्रव्य दृश्य विस्तृत, तो बहुत गजब है। अब हम क्या सुनना नहीं सुनना, हम दिमाग में इस प्रकार से भी ला सकते हैं, आप बताएं इसमें क्या होने की संभावना है और रियल वास्तविक आंसर कौन सा है। तो जल्दी से बताइए, श्रव्य का क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रव्य का दृश्य। शुक्ल, आप जानते हैं शुक्ल पक्ष होता है, तो एक अपोजिट कौन सा होता है, तो इतनी देर तो लगती नहीं है, जैसे मान लो आप को लगती नहीं है कि शुक्ल का विलोम क्या होगा, शुक्ल का विलोम कृष्ण होगा। शाप, किसी को आपने शाप दे दिया है ना, तो उसका अब मान लो जैसे इसमें एक ऑप्शन नहीं है, वरना एक ऑप्शन ये भी होता है अभिशाप, और हम शाप को अभिशाप कर देते हैं, जबकि ये तो चीज एक ही हो जाती है। तो यहाँ इसका विलोम क्या, शाप मतलब एक किसी को बुरे के लिए दिया है, लेकिन यहाँ पर शाप का विलोम क्या हो जाएगा, वरदान हो जाएगा, शाप का विलोम क्या हो जाएगा, वरदान। आगे देखें आप, किस प्रकार शीतल का विलोम शब्द क्या होगा, शीतल का मतलब क्या होता है, ठंडा। अब आप देख लो, वक्र, ऋजु, रद्द या उष्ण, तो आप बताएं देखें शीतल का क्या हो जाएगा। अब तक ये टेढ़ा होता है, ये सीधा होता है, ये अपने एक दूसरे के विलोम कह सकते हैं, ये रद्द ये तो अलग चीज होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27वें में ए हो जाएगा। किस क्रम में वक्र का विलोम शब्द है, अब भी देखो हमने पिछले प्रश्न में किया, अगला ही प्रश्न आ गया कि वक्र का विलोम क्या होगा, पेपर में भी बहुत बार आता है वक्र का विलोम क्या होगा, तो आप जानते हैं वक्र का विलोम होगा रिजु। किस क्रम में रुक्ष का विलोम होगा, रुक्ष यानी कठोर, कठोर का है, रुक्ष का मतलब होता है कठोर, कठोर से तात्पर्य रुक्ष, तो अब आप बताइए रुद्र, मृदु, अलक्षित, लघु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु, कौन सा हो जाएगा मृदु। ये मत कहना कि सर हमें लग रहा है कि आप ही हल कर रहे हो क्वेश्चन, नहीं देखो बहुत सरल आ रहे हैं। रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा बताओ, देखें पेपर में बहुत बार आया हुआ है ये भी, रक्षक का विलोम शब्द बताओ, देखें जल्दी से, लौकिक, अविहित, वैध्य, ये ऐसे प्रश्न है अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया था ना, कि तीन ऑप्शन एकदम किनारे हो रहे थे, वेस्ट उस टाइप के क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, किस क्रम में विहित का विलोम शब्द है, विहित, संकुचित, व्यक्त, लभ्य, अविहित, बहुत बढ़िया है, आप बता सकते हैं इसमें किस क्रम में विहित का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अविहित, क्यों बाकी तीन बिल्कुल अलग हैं। विस्तीर्ण, घृणा, अभंगुर, भविष्य, तो आप बताइए देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप करोगे तो कौन सा करोगे, चलो आपने तुक्का ही मारा तो भी कौन सा मारोगे, जहां तक मैं समझता हूं ए ही तुक्का मारा जाएगा, अगर जो मारेगा जिसको पता है वो तो ए ही करेगा। यश का विलोम शब्द क्या होगा, समाज में यश प्राप्त करना, और जब यश प्राप्त नहीं होता तो उसे क्या शोभा प्राप्त होती है, या अमित्री प्राप्त होती है, मूल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो हम जानते हैं उनको क्या प्राप्त होता है, अपयश प्राप्त होता है। निषिद्ध का सही विलोम क्या होगा, निषिद्ध, विहित, अपदु, अनिष्टा, मलित, ये तो बड़ा क्रिटिकल आ गया भाई, निषिद्ध, विहित का तो अविहित होना चाहिए, लेकिन खैर ये तो बिल्कुल गलत है, निष्ठा का अनिष्ठा होता है ये भी बिल्कुल गलत है, मलित तो ये तो गंदे से है इसका मतलब, तो मलित ठीक है, तो राइट आंसर यही होना, विहित, बता देना भैया सही है, मैंने सही किया है क्या निषिद्ध, मुझे नहीं पता है, आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, कोई गलती हो जाए तो बता देना। सकाम का, बहुत बढ़िया, श काम, काम सहित, तो बिना काम क्या होगा, अप्रणित, अपरिग्रह, स्वार्थ या निष्काम, तो आपका आंसर मिल चुका होगा निष्काम, कौन सा होगा निष्काम। अनुरूप का सही विरूप होगा, प्रति, ये ऐसे ऑप्शन आते हैं ना तब थोड़ा सा दिमाग जो है वो खुरचने की आवश्यकता पड़ती है। अनुरूप, विरूप, प्रतिरूप, स्वरूप, बताओ देखें विरूप होगा क्या, नहीं होगा, स्वरूप होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, प्रतिरूप होगा, अनुरूप का मतलब होता है प्रतिरूप, मतलब क्या, मतलब विलोम होता है। अवनी, अभी थोड़ी देर पहले आया था, अवनी का विलोम क्या होगा, धरती, आर्स, अंबर, अब देखो हम उस वक्त गलती से ये भी कर सकते हैं क्योंकि अवनी का मतलब धरती भी होता है, धरती भी क्या, धरती होता है, लेकिन यहां ये विलोम पूछ रहा है तो अवनी का विलोम होगा अंबर। अतुकांत, सिंपल सी बात है, का सही विलोम क्या होगा, तो अतुकांत किसका विलोम है, क्या विराग का या विरक्त का या नित्य का, बताओ देखें, तो तुकांत, अतुकांत, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, डी आंसर राइट होगा। अल्प प्राण का सही विलोम शब्द क्या होगा, ये तो देखते ही आपको पता लग जाता है, ये तो एक दूसरे के विरोधी आ गए है ना, अघोष, तो अल्प प्राण का महाप्राण। मैं समय कम नष्ट करता हूं लेकिन क्वेश्चन ज्यादा देने का प्रयास रहता है, इसलिए
थोड़ा स्पीड से चलता हूँ। आगत, अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था मैंने आगत का, उसमें लिखा हुआ था विगत, मैंने कहा था आगत का तो ये होगा, अब वो कौन सा बताया था मैंने, तो आप बताओ देखे कौन सा बताया था मैंने। मैंने बताया था अनागत, कौन सा बताया था अनागत। आगे देखिए आप, आडंबर का सही विलोम क्या होगा, जो आडंबर करते हैं, तो आडंबर अब हम जल्दबाजी में हो सकता है पाखंड भी कर दें, लेकिन यहां कुछ और होगा। आडंबर, सौम्य, सादगी, विनत, कुछ लोग आडंबर करते हैं, कुछ लोग कैसा जीवन जीते हैं, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स यानी सादा जीवन, उच्च विचार, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सादगी। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, आग्रह, दुराग्रह, क्या ये सही है, उग्र, सौम्य, एकाग्र, चंचल, जो एकाग्रचित होता है लेकिन वो चंचल है, ऐश्वर्य, अनरित, बताओ देखें जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। आप जानते हैं कि ऐश्वर्य का क्या होगा, अनैश्वर्य होता है, क्या होता है भाई, अनैश्वर्य होता है, तो राइट आंसर होगा डी। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, क्रूर, कपूत, कायर, शूरवीर, कलुपित, निष्कलुप, ख्यात, कुख्यात, ये तो देखते ही पता लग गया, इतना टाइम तो शायद आपको नहीं लगेगा, मैंने जहां तक समझ रहा हूं आपने बता दिए होंगे, क्या हो जाएगा, क्रूर का, क्रूर का कपूत कैसे, सपूत का कपूत होता है, क्रूर का कपूत थोड़ी होता है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, चिर, अचिर, दीर्घ, विशाल, छुत, अछूत, ज्योति, तम, देखते ही पता लग गया अगर आपने पढ़ रखा है तो, ईमानदारी से बता दो पता लग गया कि नहीं लगा। चलो अच्छा, चलो एक बात बीच में बता दो, ये जो अपने इतने विलोम शब्द किए, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वास्तव में थोड़ा सा एक पता चला कि यार हमें कुछ पढ़ तो रखा है, ऐसी बात भी नहीं है, है ना, तो चिर अचिर, दीर्घ विशाल, छुत अछुत, ये तो एक ही चीज हो गई भैया, दीर्घ भी यार विशाल भी, ये तो कोई समानार्थी हो गए एक तरह से, एक ही अर्थ देने वाले हो गए, तो इसका सही नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सही है, दीर्घ का लघु होगा। कौन सा युग्म सही नहीं है, बताओ देखे कौन सा युग्म सही नहीं है, दिव्य, अदिव्य, नख, सिख, निर्दय, सदय, नत, उग्र, नहीं, इसमें तो भैया, चलो आप बताओ पहले, तो दिव्य, अदिव्य, नख, सिख, निर्दय, सदय, मैं जहां तक जरूर जुपड़ के नहीं जाएंगे वो इसको करेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है नत, है ना भाई, नत, अवनत, उन्नत हम पढ़ते हैं वो नत्व है, ये उग्र का तो मतलब ही नहीं है, उग्र तो अपने स्वभाव से रिलेटेड हो गया। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, पैना, माँ, पैना, वो भोथरा नहीं होता, उथला, ऐसा कुछ नहीं, चलो सही नहीं है, पैना, भोथरा, प्रत्यक्ष, परोक्ष, ये तो ठीक है, बर्बर, क्रूर, भावी, अतीत, भावी, हाँ ये भी ठीक है, बताओ देखिए इसका राइट आंसर। चलो इसमें मान लो ये शब्द गलत लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, फिर भी आप बताओ देखिए इसमें कौन सा होगा, देखो सही नहीं है, इसमें बर्बर और क्रूर तो एक ही चीज हो गई ना, आपको है ना वहां पेपर में यही कंफ्यूज किया जाएगा कि सेम शब्द दे दिया जाएगा साथ में, बस वही पकड़ना है, विलोम शब्द में ज्यादातर यही होता है, ठीक है। आगे देखिए आप, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताओ देखिए फटाफट, सुबोध, दुर्गंध, मित, अपरिमित, रत, विरत, लिप्त, निर्लिप्त, सीधी सी बात है, ये क्या है, तो दुर्गंध का क्या होना चाहिए, सुगंध होना चाहिए, सुगंध, दुर्गंध, लेकिन यहां क्या है, सुबोध और दुर्गंध, तो राइट आंसर। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, वृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि, अनावृष्टि, दिन, रात, ताप, शीत, तामसिक और बुरा, कौन सा सही नहीं है भाई, 48वें में, हाँ यही मैं सोच रहा था कि मेरे दिमाग में भी एक बार भैया क्या आ गया था, सीधी सी बात बताऊं, अतिवृष्टि आ गया था, मैंने सोचा इसका तो अतिवृष्टि होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें जब चारों ऑप्शन चेक किए, ये भी होता है कई बार हम पहला ऑप्शन देख के भी क्या है कि आंसर दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, चारों ऑप्शन देखते ही मेरा दिमाग यहाँ गया और मैंने कहा ये क्या है, तामसिक और बुरा, ये तो एक दूसरे के विलोम होते ही नहीं, अच्छा बुरा होता है, तामसिक और बुरा तो विलोम होते ही नहीं है, तो बस
इसका राइट आंसर डी निकल आया। तो कई आप चार ऑप्शन जब तक तो पूरे नहीं पढ़ो तब तक देखना मत इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। कुटिल, सरल, खंडन, मंडन, हम साहित्य में पढ़ते हैं खंडन मंडन प्रवृत्ति का अभाव था। कृतज्ञ, अकृत, कोप, कृपा, तो ये तो आपको देखते ही पता लग गया, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको पता लग गया कि इसका राइट आंसर कौन सा है, सी है, क्योंकि यहां क्या होगा अकृतज्ञ होगा, ठीक है, और यहां क्या होगा कृत का अकृत होता है, कृतज्ञ का अकृतज्ञ होता है, या सॉरी कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, अकृतज्ञ का माफी चाहता हूं, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, एडी चोटी, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तेजन रोपण, उद्वेग निर्द्वेग, बताओ देखो कौन सा राइट आंसर है, उद्वेग का तो निर्द्वेग, चलो बताओ पहले तो आप ही बताओ। हाँ बताओ, बता दिया, देखो इसका राइट आंसर ये होगा, ये उत्तेजन और रोपण दोनों अलग अलग शब्द है, रोपना मतलब किस चीज को रोपना और उखाड़ना होना चाहिए वहां, उत्तेजना थोड़ा सा अलग शब्द है, इसका राइट आंसर, बाकी उद्वेग का निर्द्वेग, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, एडी छोटी, ये सब सही होते हैं। ओ माय गॉड, 50 क्वेश्चन हो गए, पता ही नहीं चला, आपको पता चला कि नहीं चला था, ईमानदार से तो पता चला या नहीं चला, मुझे पता नहीं चला, 50 कंप्लीट हो चुके हैं और हमने विलोम शब्द की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है। अब जो मैंने आपको सूचना दे दी है कि मैं 10 मॉडल पेपर जो है वो आपको करवाऊंगा 150 क्वेश्चन के, उसमें आपके ये सारे मिक्सअप टॉपिक आ जाएंगे और मैं ये क्लासेज जो है विलोम शब्द वाली 2 दिन के अंदर अंदर सारी क्लासेज अपलोड कर दूंगा, दिन में 2-2, 3-3 क्लासेज अपलोड करने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन, नेक्स्ट क्लास देके आ रहा हूँ मैं वाक्य शुद्धि की, जो बहुत ही टिपिकल क्लास है, क्योंकि पूरी व्याकरण का ज्ञान होता है तब जाकर हमारी वाक्य शुद्धि सरल होती है। तो अब तक बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ दिन।